भाई जा रहा है, अगर हाथ काटेंगे हिंदू भी हाथ काटेगा, मुसलमान भी काटेगा, सब काटेंगे, सबका खून इकट्ठे लगाएंगे तो रंग एक ही निकलेगा लाल। हम लड़ाई नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपना राइट मांग रहे हैं, जो हमारा राइट है बस। ताकि उनको वोट मिल सके।
ठीक है, ये सब बात पॉलिटिक्स, सब पॉलिटिक्स चल रही है यहाँ पर। बेसिक मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, हिजाब के बारे में कोई ऐसा माँ बाप नहीं होगा जो अपनी लड़की को रोड पे नंगा भेजेगा। सीधी सी बात है, हिजाब एक ऐसी चीज़ है वो औरत को ढकती है पूरी तरीके से। अगर आप देखेंगे रोड के ऊपर औरत चल रही होगी, हिजाब उसको पूरा यहाँ से लेकर नीचे तक पैर तक वो ढकती है, हिजाब उसको ढकता है। तो हम यही चाहेंगे कि हमारा राइट है, ये पिछले 70 सालों से चलते आ रहा, पिछले 70 से भी आगे से चलते आ रहा होगा, तो आज एक ऐसे रोकना चाहिए, रोक सकते हैं। और हमें कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा है कि हमारे हक में फैसला होगा, और अगर फैसला नहीं हुआ तो हम फिर से रोड पर उतर जाएंगे। ऐसे कैसे बैन हो जाएगा? हम इंस्टीट्यूट में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हम पढ़ने जाते हैं, ना कि हमारे ड्रेसिंग सेंस से पता चलता है हम क्या लगाते हैं क्या नहीं लगाते हैं। ये हमारा राइट है, अगर हिजाब लड़के हिजाब के अंदर यूनिफॉर्म पहन के आती है तो इंस्टीट्यूट में पढ़ाई से लेना देना होना चाहिए, ड्रेसिंग से नहीं, कि तुम क्या पहन के जा रहे हो और क्या नहीं। हम वहाँ पर सीखना चाहते हैं बिहेवियर, हम डिसिप्लिन सीखना चाहते हैं, वहाँ पर पढ़ाई सीखनी चाहती है, ये नहीं कि तुम रिलीजन में ये लगा के आई हो या ये लगा के आई हो। और ये जो चीज़ बोली गई है कि ऑरेंज शाल पहने लड़कियों को बोला गया, हम क्यों पहने ऑरेंज शाल? जब हमारा राइट है कि हम हिजाब पहनेंगे, वो लड़कियाँ हिजाब पढ़ के आती लगा के आती है, तो वो ऑरेंज शाल क्यों पहनेंगे? ज़बरदस्ती क्यों की जा रही है? हम भाई चाह रहे हैं अगर हाथ काटेंगे, हिंदू भी हाथ काटेगा, मुसलमान भी काटेगा, सब काटेंगे, सबका खून इकट्ठे लगाएंगे तो रंग एक ही निकलेगा लाल। हम लड़ाई नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपना राइट मांग रहे हैं, जो हमारा राइट है बस।